ये देखिए, हम आपको बिना इनो के इस तरीके का ढोकला बनाना सिखाएंगे, वो भी बिना इनो के, बस नींबू से और खाने मीठे छोड़े से। ये देखिए कितना स्पॉन्जी हमारा बना हुआ है, आप देखिए बहुत ही बढ़िया स्पॉन्जी हमारा ढोकला बना हुआ है। आप अंदर का देखिए इतना जूसी और बिल्कुल सॉफ्ट, हाँ इस तरीके का हम बनाने आपको सिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, हेलो फ्रेंड्स, कुक टेस्टी फूड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकला बेसन से और सूजी से। फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हमने जो बनाया था उसमें हमने इनो डालकर बनाया था ढोकला, लेकिन अब हम बिना इनो के बहुत ही बढ़िया स्पंजी ढोकला आपको बनाकर दिखाएंगे, जो कि सिर्फ खाने वाले सोडे से। आप देखेंगे इसके लिए हमें चाहिए, फ्रेंड्स हमने लिया हुआ एक कटोरी बेसन लिया हुआ है, और हमने छोटे चम्मच से 2 चम्मच सूजी ली हुई है, रवा 2 चम्मच छोटे चम्मच से। याद रखिए सूजी में ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो हमारा जो है ढोकला स्पंजी नहीं बनता है, इसलिए सूजी थोड़ी लेनी है। और हमने लिया हुआ है शुगर, चीनी हमने छोटे चम्मच से 2 चम्मच लिया हुआ है, और ये हमने नमक ले लिया है 1 चम्मच भर के छोटे चम्मच से, और ये हमने सब्जी का मसाला थोड़ा ले लिया है, इधर टेस्ट अच्छा लगता है। ये थोड़ी सी हमने लाल मिर्च ले ली है, और ये हल्दी पाउडर, याद रखिए हल्दी में ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ढोकले का कलर चेंज हो जाता है, बिल्कुल पीला नहीं होता है वो, इसीलिए हल्दी में कम लेना है। और ये हमने लिया हुआ है कड़ी पत्ता, और ये हमने हरी धनिया की पत्ती ली हुई है, और ये हमने हरी मिर्चों को हमने इस तरीके से काट दिया है, हमने 3-4 हरी मिर्च ली है उसे इस तरीके से हमने काट दिया है तड़के में डाली, और हमने लिए काली सरसों, और ये हमने खाने का सोडा ले लिया है थोड़ा सा, खाने का सोडा, याद रखिए खाने का सोडा हमें अभी नहीं डालना है, जब हम बनाने जाएंगे उस समय हमें खाने का सोडा तब डालना है, तो सर उससे उसका रिएक्शन अच्छा होता है। और हमें चाहिए, और हमें नींबू चाहिए, हमने 1 नींबू में से आधा काट लिया है, मतलब आधे से थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए नींबू रस। हमें इनो ने आज हम बिना इनो के बना रहे हैं, आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट ढोकला बनेगा हमारा, बहुत ही बढ़िया। और हमने ये 1 चम्मच तेल ले लिया है, छोटे चम्मच से 2 चम्मच है, लेकिन इसमें हमें धनिया को डालना है, छोटे चम्मच से 1 चम्मच डाल देना है फ्रेंड्स। और ये दही, ये दही बताना मुझे, ये छोटे चम्मच से 4 चम्मच हमने दही ले ली है भिगोने में चाहिए। अब फ्रेंड्स हमें करना क्या है, एक बाउल ले लेना है, और ऐसा खाली बाउल लेकर हमें इसमें हमें ये डाल बेसन हमें डाल देना है, हमें चाहिए हमें उसके बाद ये बेसन के बाद हमें सूजी डाल देनी है, इसके बाद हमें जो ये चीनी भी हमें इसमें डाल देना है, बाद हमें ये नमक डाल देना है इसमें, और ये हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर और सब्जी का मसाला, उसके बाद हमें ये दही ये भी इसमें डाल देना है हमें। दही से हमारा बहुत ही बढ़िया ये फूल जाता है, इसमें जो रवा हमने डाला है तो बहुत ही बढ़िया फूल जाता है। उसके बाद हमें 1 चम्मच हमें इसमें 1 चम्मच तेल डाल देना है, इससे हमारा ढोकला बहुत ही बढ़िया फ्लफी बनता है, इस तरीके से हमें मिला देना है। और नींबू के, याद रखिए जो नींबू के जो बीज है इसे हमें निकाल लेना है, नहीं तो ये हमारा, अब इसमें हमें नींबू का रस भी डाल देना है, अब हमें पानी डालकर इसे, याद रखिए ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाना है हमें, इस तरीके से पेस्ट लेना है हमें, पहले थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाना है, ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है। थोड़ा और पानी मिलाएंगे,
याद रखिए, इससे बैटर ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, सही हो, कंसिस्टेंसी सही हो, इस सही होनी चाहिए। ये देखिए अभी भी ये गाढ़ा है, ये देख सकते हैं। इसमें हमें थोड़ा सा और पानी मिलाना है। देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया बैटर बना हुआ है। अब इसे हमें ढक कर करीबन आधे घंटे के लिए ढक कर रख देना है, तो उसके बाद में बनाना शुरू करना है। फ्रेंड्स, बनाने के 5 मिनट पहले हमें खाने का सोडा हम इसमें डाल देंगे, मीठा सोडा कहा जाता है। ये हमने आधा चम्मच ले लिया है, आधा चम्मच से भी कम है, एकदम अच्छी तरीके से मिला देंगे। बनाने से 5 मिनट पहले हमें खाने का सोडा इसमें डालना है, इससे हमारा ढोकला जो है बहुत ही फ्लफी बनता है, बहुत ही बढ़िया बनता है, सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है। इसे हमें एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से मिला लेना है और इसे हमें ढक देना है। अभी 5 मिनट के बाद बनाना शुरू करना है। इसे इस तरीके से हम टैप कर देंगे। देखिए अब इसका हम ढक्कन हटा लेंगे, आधे घंटे के लिए हमने कहा रखना, आधे घंटे बाद हम ढक्कन हटा लेंगे इसका। इसका ढक्कन हटाकर अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें इस तरीके का हमें एक डिब्बा लेना है, ऐसे इस तरीके का हमें कोई भी डब्बा लेना है हमें, और इसमें हमें तेल लगा देना है अच्छी तरीके से। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी ब्रश नहीं है तो हम हाथ से भी लगा सकते हैं। अच्छी तरीके से हमें ब्रश से लगा देना है तेल। और इसमें हमें धनिया पत्ती भी डाल देनी है, धनिया पत्ती अब डालनी है हमें। धनिया पत्ती डालकर हमें अच्छी तरीके से मिला देना है इसमें, और हमें इस डिब्बे में इस तरीके से हमें डालकर इसे इस तरीके से पटक देना है, टैप कर देना है। और हमें इस तरीके की कोई भी जाली, आपके पास कटोरी हो या ऐसे कोई भी जाली वाला हमें बर्तन चाहिए, हमें कुकर में 2 ग्लास पानी डाल देना है। और हमें उसके ऊपर ऐसे एक जाल रख देना है, और ये डिब्बा में बड़े ही सावधानी के साथ इसके अंदर ऐसे रख देना है। और याद रखिए कुकर की सीटी हमें निकाल देनी है, बिना सीटी के हमें बनाना है, सीटी को निकाल कर तब बनाना है। इस तरीके से बिना सीटी के हमें इसे 20 से 25 मिनट तक हमें बनाना, ऐसे कम कर हमें गैस पर मीडियम फ्लेम पर हमें करके रख देना है 20 से 25 मिनट के लिए, तब हमें तड़के की तैयारी करनी होगी फ्लेम पर। फ्रेंड, जब तक हमारा ये ढोकला यहाँ बन रहा है साइड में कुकर में, तब तक हम यहाँ तड़के की तैयारी कर लेंगे। हमने एक बर्तन ले लिया है, इसमें हमें एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है, इसमें हम काली सरसों डाल देंगे, इसके अंदर हरी मिर्च डाल देंगे,
और इसके अंदर पानी डाल देना। और इसे थोड़ी देर के लिए पकने देना, फिर हमें थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए वो गैस बंद कर देना है। मिनट बाद हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे अपने। देखिए हमारा ये बहुत, देखिए बहुत ही अच्छा बन गया है। इसे हमें निकाल लेना है सावधानी के साथ, और इसे हमें अभी ठंडा करने रखना है। इसे हमें कम अभी 5 मिनट के लिए ठंडा हो जाए। 5 मिनट में ठंडा होने के बाद इसे निकाल लेना है चाकू से। फ्रेंड देखिए 5 मिनट के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो हमें इसे साइड से इस तरीके से चाकू से हमें छुड़ा लेना है इस तरीके से। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और हमें ये देखिए आप बहुत ही स्पंजी ढोकला ये बन गया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए देखिए बहुत ही बढ़िया स्पंजी ढोकला बना है हमारा। ये देखिए ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। अब इसे हमें कट लगाना है इसे। ये देखिए अब हमेशा याद रखिए कि इसमें सूजी आप कम डालिए। फ्रेंड देखिए इसको हमने ऐसे इस तरीके से कट लगा दिया चाकू से। अब इसके ऊपर हम ये हमारा जो हमने सिरप बनाया था ये हम डाल देंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा ढोकला बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए आपको मैं एक पीस दिखाता हूँ, ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। देखिए इस तरीके से आप भी ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया हमारे हमने ढोकला बनाया हुआ है वो भी बिना इनो के। आपको हमारा ये ढोकला की रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।